हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके आईडी पर कितने मोबाइल नंबर हैं, मतलब खुद के आधार कार्ड के ऊपर कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं। तो आप अपने ही घर में बैठ के मोबाइल पर उसको चेक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं सर। लेकिन जो पहले मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके गूगल सर्च पे जाएंगे, सर्च में जाके वहाँ पे सर्च करेंगे टैप टॉप सर्च करने के बाद सर्च करेंगे तो उस सबसे पहले आएगा टैप टॉप पर कंज्यूमर पोर्टल। कंज्यूमर पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये सर्च इंजन जो है टाइम लेगा, इंटरनेट के हिसाब से टाइम लेगा। जैसे ये सर्च होगा तो आगे आपसे मांगेगा कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू दबा देना, सपोर्ट वार्निंग मांगेगा। उसके बाद थोड़ा सा फिर से टाइम लेगा ये सर्च होने में। जैसे ही ये सर्च हो जाता है तो टाइम लेगा, यहाँ पे सर्च के लिए टाइम लेता है। जैसे ही सर्च के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जैसे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी आएगा आपने यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप इसको वैलिडेट करोगे, जैसे कि मैंने ये अपना डाला था, तो जैसे आप वैलिडेट करोगे तो वो आपके सारे नंबर जो हैं शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरा ये देखो 1, 2, 3 और 4 नंबर शोर हो रहे हैं, तो ये सारे नंबर मेरे हैं। अगर मेरे को इसमें से कोई नंबर नहीं चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने का तरीका भी यहीं पे है, देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं इसे। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है टैप टॉप, यहाँ पे रिपोर्ट पे जाके इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने पहले चेक कर लेना है कौन सा आपका नंबर है, उसके बाद लास्ट में जाके रिपोर्ट के ऊपर आपने इसको रिमूव कर देना है। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।